एक ही परिवार के 6 लोगों की आत्महत्या के मामले को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने शराबबंदी के वादे का जिक्र करते हुए कहा, अगर सरकार ने वादा निभाया होता तो ये लोग रेलवे ट्रैक पर सोकर आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं हुए होते और 6 लोगों की जान बच जाती। लेकिन सरकार का यह वादा केवल चुनावी वादा था। बता दें कि कुछ दिन पहले महासमुंद में पति के झगड़ों से परेशान होकर मां ने अपनी 5 बेटियों के साथ ट्रेन से कटकर सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। रेलवे ट्रैक में सोकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हुए होते तो अब तो सवाल पूछे जाएंगे कि भैया तुमने इतनी बड़ी घोषणा की थी, उस घोषणा का क्रियान्वयन का यदि तुमको नहीं करना है तो छत्तीसगढ़ जनता के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर बोल दो कि वो जो घोषणा पत्र था मैंने चुनाव जीतने के लिए किया था, क्रियान्वयन के लिए नहीं था। माफी मांग लें, फिर लोग प्रश्न करना बंद कर देंगे, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, फिर सवाल पूछने का काम बंद हो जाएगा। आप एक बार बोल दो सार्वजनिक रूप से।